नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की भर्ती को लेकर टीवी नाइन के कंसल्टिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी बेरोजगारी की मुद्दों पर क्या कहा। बेरोजगारी की मुद्दों पर दोस्तों टीवी नाइन के कंसल्टिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री सर जी ने आवाज़ उठाई। इनमें कौन कौन से लोग शामिल रहे और जो 4 अप्रैल को धरना प्रदर्शन हुआ था वह भी मैं आप लोग को बताऊँगा, और उसके बाद जो है दोस्तों कितने अभ्यर्थी जो है यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती का इंतजार करते करते ओवर एज हो गए, कुछ भर्तियां अधर में लटकी पड़ी हुई हैं, और काफ़ी भर्तियों का परीक्षा नहीं हुआ है। कुछ अभ्यर्थी जो है, बताया जा रहा है कि 2-4 दिन पहले की बात है, कुछ अभ्यर्थी जो रहें तो वो क्या नाम है सुसाइड भी कर लिए हैं बताया जा रहा है। मैं आप लोग को यह बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले जो है आप लोग को वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों भर्ती का इंतजार करते करते अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, और जो आज यह डिबेट चला है, किन किन लोगों के बीच में डिबेट चला है मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। यह देखिए दोस्तों, टेट का रिजल्ट आ गया, नई नौकरी कब, आप देख सकते हैं अमिताभ अग्निहोत्री सर जी हैं, इसमें राघवेंद्र सिंह जी हैं, अभिषेक वाजपेयी जी हैं, अनुभव त्रिपाठी जी हैं और रजत सिंह जी हैं। आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों, यह जो है इतना डिबेट चला है, डिबेट चलने के बाद जो है एक भी मतलब जवाब नहीं मिल पाया, जो है अध्यक्ष जी की तरफ से एक भी जवाब नहीं मिल पाया। अमिताभ अग्निहोत्री सर जी सवाल पे सवाल करते गए लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिला। राघवेंद्र सर जी भी जवाब नहीं दे पाए, अभिषेक वाजपेयी जी भी नहीं दे पाए, और अनुभव त्रिपाठी जो है यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थी हैं। जब 4 अप्रैल को अभ्यर्थियों की आवाज़ नहीं सुनी गई तो कुछ अभ्यर्थी जो है अखिलेश यादव जी के पास गए, तो अखिलेश यादव जी से सांत्वना यही मिला है, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं उनसे यही सांत्वना मिला कि हम जब विपक्ष में बैठेंगे तो हम जरूर इस मुद्दों की बात उठाएंगे कि आप लोगों की भर्ती क्यों इतने सालों से रुकी हुई है, क्या कारण है। जबकि बताया गया था कि 100 दिन के अंदर जो योजना इन लोगों की बनी है कि 100 दिन के अंदर हम इतने हज़ार अभ्यर्थियों को नौकरी देंगे, यह सब मुद्दा उठा ही है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, नेता एसपी के हैं और अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी, और नई भर्ती 97,000। नई भर्ती कौन सी है दोस्तों, टेट के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती आने वाली है। यह सब मुद्दा लेकर जो है अभ्यर्थी पहुंचे थे, और उसके बाद जो है अमिताभ अग्निहोत्री सर जी सुन भी लिए, इस पर डिबेट भी काफ़ी समय तक डिबेट हुआ है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती अधर में, लाखों युवा भंवर में। यह डिबेट इतना चला कि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जी जो रहे वह जवाब तक नहीं दे पाए, हर सवाल में फंसते गए। उनसे पूछा गया कि यह 100 दिन का आपका जो अभियान चला था वो कहाँ गया, कि किन लोगों को नौकरी मिली, लेकिन कहीं से जो है कोई जवाब नहीं मिल पाया। जिसमें आप लोग को बता रहा हूँ, जो जो भर्तियाँ हैं, एनम की भर्ती हैं, वीडियो की भर्ती हैं, मंडी परिषद की हैं, वन रक्षक की भर्ती है दोस्तों, बहुत सारी जेई की भर्ती हैं, बहुत सारी है, जिसके कारण जो है बता रहा हूँ इन सब भर्तियों को पूरा करवाने के लिए अभ्यर्थी 4 अप्रैल को महाधरना प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद भी बता रहा हूँ दोस्तों अभी कुछ अभ्यर्थी जो है सुसाइड भी कर लिए, भर्ती परीक्षा से को लेकर ओवर एज हो चुके थे, क्योंकि एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माध्यम से। जबकि आयोग क्यों गठित किया जाता है कि भर्ती परीक्षा को करने के लिए, तमाम आयोग गठित हुए हैं, शिक्षा विभाग से लेकर जो है यूपी ट्रिपल एससी, यह समूह गा के अंतर्गत की भर्ती है दोस्तों। आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी लंबा चला, देखिए हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी की जो लंबित भर्तियां हैं वह जल्द ही फाइनल हों, जल्द ही उसकी परीक्षाएं हों। अभी आप लोगों ने देखा कि 8 अप्रैल को जो है ये सब जो है एक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आ गया है, आप लोगों ने देखा ही है। काफ़ी दिनों तक जो है यह सब दोस्तों डिबेट, काफ़ी देर तक डिबेट चला है, और काफ़ी दिनों से यह सब आवाज़ उठाई जा रही है। जहाँ तक है दोस्तों, हो सकता है कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। कोई भी जो है अपडेट रहेगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।